जन्म होता है, जिनको ऋण का भाई गई थी, जिनके परशुराम हुए थे, वही परशुराम है जिन्होंने चंद्रवंशी राजाओं को 21 बार इस पृथ्वी से विहीन किया था। ये वही परशुराम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इसी वंश में विश्वामित्र का जन्म हुआ चंद्रवंश में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आगे चलकर के इसी वंश में एक ययाति नाम का राजा होता है चंद्रवंश में, जिसको गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ब्याही गई थी। परीक्षित ने कहा, गुरुवर ये राजा चंद्रवंशी क्षत्रिय है और गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण है, तो ये मेल कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि राजा शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे और इस संजीवनी विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के यहाँ आता है और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ पर आसक्त हो जाती है। देवयानी कच्छ से कहती है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन कच्छ ने मना कर दिया कि तू मेरी गुरु पुत्री है, मेरी बहन है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने थोड़ी सी बात पर ही कच्छ को श्राप दे दिया कि तूने मेरे पिता से जो संजीवनी विद्या सीखी है वो विद्या नष्ट हो जाए। इधर कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि तुझे भी कोई ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा। देव योग से संयोग बनता है सज्जनों। बृहस्प्रभा नाम का एक राक्षस था, उसकी लड़की थी शर्मिष्ठा, देवयानी की सहेली थी। दोनों एक दिन स्नान करने गई तो निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। देव योग से भगवान शंकर का निकलना हुआ कि दोनों ने जल्दी में कपड़े, देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। दोनों में झगड़ा हो गया। शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया, शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है, देवयानी एक पंडित की पुत्री है। शर्मिष्ठा ने बुरा भला कहा और देवयानी को धक्का देकर एक कुएं में डाल दिया और शर्मिष्ठा अपने घर को आ गई। कुछ समय के पश्चात राजा ययाति जब वहां से गुजरा, कुएं से आवाज आई तो हाथ पकड़ के देवयानी को कुएं से बाहर निकाला और देवयानी कहती है, महाराज अब तो मैं आपसे ही विवाह करूंगा। और संयोग से राजा ययाति के साथ में देवयानी का विवाह होता है और देवयानी के साथ में दासी बनकर के बृहस्प्रभा राक्षस की लड़की शर्मिष्ठा भी राजा के यहाँ जाती है। तो देवयानी से दो पुत्र हुए, एक का नाम यदु और एक का नाम पुरु। यदु के नाम से यदुवंश चला, पुरु के नाम से पुरुवंश चला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित राजा ययाति का जीवन ऐसा आसक्त हो गया, भागवत में लिखा है कि अपने पुत्र की जवानी को भी राजा ययाति ने ले लिया, लेकिन काम मुक्त राजा ययाति नहीं हुआ। तो एक बकरे के दृष्टांत से राजा ययाति को वैराग्य प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित चंद्रवंश के राजा बहुत आगे की कथा है कि इसी वंश में आगे चलकर के एक सूरसेन नाम का राजा होता है जो मथुरा का राजा है। और सज्जनों, मथुरा में सूरसेन का राज है। इधर इसी वंश में आगे चलकर अग्रसेन नाम के राजा होते हैं, मथुरा के राजा हैं। बाबा नंद इत्यादि की उत्पत्ति सब इसी से है। भगवान का जन्म करना है, क्योंकि पीछे बारे ज्यादा कह रहे हैं कि पंडित जी जल्दी भगवान का जन्म करो। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि भगवान का जन्म होना है। आप भी शाम को लेट हो जाओगे, अभी आधा घंटा कथा में लगेगा। देखो, मथुरा के राजा हैं कंस।